इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में चोरों ने बिना ताला चटकाए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में बीती रात को चोरों द्वारा ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा ताले नहीं तोड़े गए और न ही शटर में किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया है और लाखों रुपए की चोरी की घटना सहित हजारों रुपए नकद लेकर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। रहवासियों का कहना है कि कई नशेड़ी युवक देर शाम होते ही चौराहे और गलियों में तेज वाहन चलाते हुए नशाखोरी कर बदमाशी करते हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने फरियादी के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और सुबह हमको ना फ़ोन आया घर पे हमारे मकान मालिक का कि उन्होंने मतलब ताले नहीं लगे देखे यहाँ पे। और फिर हमने थाने में फ़ोन लगाया, थाने में फ़ोन लगाया, हमने पुलिस बुलाया यहाँ पे। मेरा सामान सब बिखरा पड़ा है, सब सामान ले गए, चांदी के जेवर है और कुछ नगद रुपये हमारे गिरवे के वो भी लेके चले गए। कितने लाख रुपये की चोरी हुई? कम से कम 5.5 लाख समझ लीजिए, 4.5 लाख रुपये। कितने सोने चांदी के आभूषण लेगा? करीबन इसमें 5 का सामान चांदी का सामान है और कैश इसमें 90,000 रुपये, 70,000 रुपये कैश है। नहीं है सर, यहाँ पे कहीं नहीं है। और कहीं क्षेत्र में कहीं चोरी हुई इस तरह से? नहीं, कभी चोरी नहीं हुई है सर यहाँ पे। और इसमें दूसरी बात कही कि मतलब चोर में लेना यहाँ पे ताले खोल के लेके गए हैं यहाँ से। अच्छा, उसने कोई मतलब शटर मतलब टूटा भी नहीं मिला, वो कुछ भी नहीं मिला घटना के वजह से। क्या मालूम सर, कैसे मिले क्या मिले? तो आपके मतलब किसी पे कोई शंका कोई चोरी आपके पास नौकर या इस तरह? नहीं सर, कोई भी दुकान में नहीं थी, पापा बेटा से बिना ताले तोड़े चोरी हो गई आपको? अब सर वो तो समझ नहीं, कैसे हो गई समझ लो, वही समझना कैसे मिल रहा है सर। आपका नाम? मेरा नाम राज सोनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।